तो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, मुझे सब खैरियत से होंगे। तो हमारी सुबह हो गई है सतपारा गांव के अंदर और अभी नाश्ता हो रहा है, सब रेडी हो गए हैं ट्रैक के लिए। हम आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखो आप देख रहे हैं सामान इकट्ठी हो रही है, इंशाल्लाह पीएम अगर घंटे के बाद हम निकल रहे हैं। और हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ है, हमारा ग्रुप लीडर है, और इंशाल्लाह हम दो दिन के बाद हम वापस आएंगे। आबिद भाई जा रहे हैं फिर आप? सर जी बस हम बिस्मिल्लाह के अल्लाह के नाम में पढ़ के जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाबी से होके आएंगे इंशाल्लाह। जगह का नहीं पता क्या जगह है, अच्छा अभी जाकर देखेंगे, अल्लाह करे अच्छा ही हो जगह। और कितने तीन चार दिन गुजार के आएंगे। ओ भाई चाचा जा रहे हो इंशाल्लाह पीक सर करके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा विंटर में हम हिम्मत करेगा हसन भाई को ऊपर तक लेके जाए। हाँ इसको विंटर और समर का हवा से हम वापस कराएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। क्या हाल है भैया? अली मूसा सतपारा सर, आप ये बताएं कि आपने कितनी पीक सर की हुई है पाकिस्तान में? मैंने 8000 का 5 पीक किया हुआ है। अच्छा जिसमें जीवन दो दफा है मेरा, नंगा पर्वत नहीं हो गया, जीवन दो दफा है मेरा, और K2 एक दफा है, K2 एक दफा है, और बाकी ब्रॉड पीक एक दफा है, G2 एक दफा है। अच्छा आपको दो दफा हो गया, 5 हो गया मेरा। आपको गवर्नमेंट ने किसी तरह की कोई सपोर्ट की? नहीं कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं। और माउंटेनियरिंग के हवाले से क्या आप आगे अपना जज्बा रखते हैं? इंशाल्लाह जज्बा ये रखते हैं हम, इंशाल्लाह 14 के 14 पीक जो 8000 के वो हम करना चाहते हैं इंशाल्लाह, अगर हमें सपोर्ट मिले सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह हमारा जहाँ तक हो सकेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे हर लेवल पे, सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे। मेहरबानी, बस आपकी मेहमान नवाजी हमें हमारे दिल में बच जाती है। नहीं हमारा मेहमान है सर अली मोहम्मद, आप थोड़ा इंटरव्यू दे दें अपना, आपने कितनी वीक सर की हुई है? मैंने K2 और G2 किया हुआ, 2018 में K2 किया था। अच्छा आप दोनों ने साथ किया है ना, आप दोनों भाई हैं? 2018 पे दोनों भाई हैं, दोनों ने साथ ही किया था माशाल्लाह K2, और 2019 में भाई ने G1 किया था, मैंने G2 किया था। अच्छा तो उधर भी साथ ही थे लेकिन पहाड़े अलग अलग थी। अच्छा आगे आप साथ करेंगे दोनों भाई कोई भी पीक? अभी साथ ही कर लेंगे। अच्छा देख सकते हैं आप इन लोगों के सारे अवार्ड्स और जो है पिक्चर्स। सो भाई ये लोग जा रहे हैं फाइनली रेडी टू गो। तो फाइनली ये लोग निकल गए हैं और अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं भी स्कर्दू वगैरह घूमूंगा और मेरे साथ एक भाई है और ये गाइड है हमारे। तो सर क्या हाल है आपके, कैसे हैं? क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अच्छा अभी आगे जाएंगे हम सतपारा के जो आखिरी जो गांव है वहाँ जाएंगे। तो वही कावा आ गया है और ये स्कर्दू का स्पेशल कावा है, इसको तंबूरो बोला जाता है। तो भाई मैं निकल चुका हूँ फाइनली, इतना मज़ा आ रहा है बता नहीं सकता, ज़रूर आप बर्फ़बारी के दौरान आएँ स्कर्दू, बहुत खूबसूरत हो जाता है स्कर्दू। ये फ्लकबोश पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ की चादर ओढ़ लेते हैं। दुनिया का पानी आता है सर, इधर क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा अभी यानी पानी का प्रेशर कम है पीछे से? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं खूबसूरत मनाजिर और होते जा रहे हैं। समर में बड़ा सरसब्ज होता है सर ये एरिया।
अच्छा, ये विंटर्स के अंदर जो है टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं आता? टूरिस्ट बहरहाल समर के निस्बत न होने के बराबर है। तो आप लोगों को मुश्किल तो बहुत पेश आती होंगी? हमारे लिए तो काफ़ी मुश्किल है, यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किल। जब बर्फ़ आता है तो सारे रास्ते बंद होते हैं, जब यहाँ बिलखसूस मरीज़ के लिए बड़ा दुश्वार है। तो भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर, और ऊपर से जाके आपको उसका सतपारा गांव का व्यू दिखाऊंगा। हो सकता है बर्फ़बारी हो जाए, क्योंकि प्रेडिक्शन थी बर्फ़बारी की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेन सूट पहना हुआ है, सॉरी रेन नहीं, स्नोफॉल सूट पहना हुआ है मैंने। अभी जो डिग्री है वो तकरीबन -8, -9 चल रहा है, और लिटरली बता रहा हूँ पहन के ना मेरे पसीने छूट रहे, पसीने आ रहे हैं मुझे ना, क्योंकि ये -30, -35, -40 तक का टेम्परेचर ये वो कर सकता है बेयर। सो फाइनली मैं टॉप पर पहुँचने वाला हूँ, और अभी रिज पर चल रहा हूँ पहाड़ की। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यू चेक करें। ओए ओए ओए, पूरी बर्फ ही बर्फ, देख सकते हो क्या व्यू है। ओए ओए, और ये फाइनली टॉप पर पहुंच गए। तो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सतपारा के एक टॉप पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और ये जो पहाड़ है चॉकलेटी, दिल चाह रहा है कि इसको निकाल के मैं खा लूँ, ये जो है ना बिल्कुल चॉकलेट जैसे हो रहे हैं। एक तरफ इधर जो है वो देवसाई का रोड जा रहा है, रास्ता जा रहा है, और देवसाई इस वक्त तो अभी बंद है। इस टॉप पे यानी आपको पूरी चारों तरफ स्कर्दू का मंज़र आपको नज़र आ सकता है। अच्छा, आप जब भी विंटर्स के अंदर आएँ, ख़ास तौर पर जहाँ पर बर्फ़ हो, तो वहाँ पर आप सनग्लासेस ज़रूर लेके आइएगा अपने, क्योंकि आपकी जो आँखें वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती बर्फ़ को। इस गांव के अंदर, और अभी मैंने खाना खा लिया है, और हालत बड़ी टाइट हो रही है, नींद भी आ रही है। इसके आगे लकड़ियाँ इसमें डाली हुई हैं, और ये पूरा कमरा गर्म कर देता है, और एक तरफ हीटर भी लगा हुआ है।